सो हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज शिवांग और आज का हमारा टॉपिक है अनबॉक्सिंग ऑफ एक्वाटिक रेमेडीज के फर्टिलाइजर। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये पार्सल्स अमेज़न से आए हैं। एब्सोल्युटली दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय अमेज़न। सो चलिए हम इन्हें जल्दी अनबॉक्स कर लेते हैं। सो लेट्स ओपन इट फर्स्ट। देख सकते हैं हमारी कैची बखूबी काम कर रही है। इन फर्टिलाइजर्स के बारे में मुझे कुछ अच्छे फीडबैक्स नहीं मिले हैं। कहते हैं कि ये फर्टिलाइजर्स बिगिनर्स के लिए अच्छे हैं, बट हैवी प्लांटेड टैंक्स या फिर हाई टेक टैंक्स में काम नहीं आते। सो लेट्स टेस्ट इट। आपको किसी भी चीज़ को जल्दी जज नहीं करना चाहिए। ये तो कहावत ही है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है हमारा मैक्रोन एलिमेंट्स फर्टिलाइजर। देख लीजिए आप, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम दूसरे वाले को खोल लेते हैं। आपको फर्टिलाइजर्स को 45 डेज का टाइम देना चाहिए, उसके बाद ही आपको इन्हें चेक करना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करते। उसके पहले ये उतना परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद 45 डेज के बाद ये काफ़ी अच्छे से काम करेंगे। सो आप पहले ही इसे खराब घोषित मत कर दीजिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस पर एक प्लास्टिक रैप आया है, बट इस वाले मैक्रोन्यूट्रिएंट के बॉटल में कोई रैप नहीं आया है, बल्कि जबकि दोनों प्रोडक्ट्स अमेज़न से ही मंगाए गए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, दोनों ही बॉटल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये 120 ml ईच है। आप इसमें डोजिंग मेथड ऐसा है कि पर 100 लीटर आपको 2 ml डोज करना पड़ता है। सो मेरा यहाँ 10 गैलन सेमी डट स्टाइल टैंक है, जो कि हाई टेक है, जिसमें हाई लाइटिंग विथ CO2 इंजेक्शन है। सो मैं यहाँ 1 ml डोज करूँगा पर बॉटल। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे दोनों फर्टिलाइजर के बॉटल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए, अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आयरन, मैंग पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन एंड एक्सेट्रा, ये कुछ एलिमेंट्स आते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर हमारी जल्दी वीडियो आ रही है, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं और ये हमारे टैंक में कैसे काम करते हैं और हमारे प्लांट्स को कैसे मदद कर सकते हैं। ऐसा लगेगा कि ये तो खुल ही नहीं रहा है, ये एंडलेस टाइम घूमे जा रहा है। हाँ, तो ये कुछ इस प्रकार खुलता है। जैसे ही आप इसे इस प्रकार प्रेस करके राइट हैंड साइड की तरफ ट्विस्ट करेंगे, सो ये बड़ी ही आसानी से स्मूदी खुल जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ खुल गया है। ये देखिए, यहाँ पे एक कैप हमें दिख रहा है जो कि फॉइल का बना हुआ है। मैं यहाँ पे सीरिंज के मदद से अपने टैंक में इसको डोज करूँगा। सो देख, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास ये 10 ml की सीरिंज है। आप या तो कैप मेथड से डाल सकते हैं या तो आप इस ड्रॉपिंग मेथड से डाल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस सीरिंज की मदद से यहाँ एक होल बना लिया है। अब इस होल की मदद से मैं अपने सीरिंज के अंदर फर्टिलाइज़र को भर लूँगा और बड़ी आसानी से अपने टैंक के अंदर डाल दूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसके अंदर अपने सीरिंज के निडल को डाल दिया हूँ और आप देखिए कि बड़ी ही जेंटली आपको इसे पुल करना है। देखिए, नियरली यहाँ पे 1 ml आ चुका है हमारे पास। अब चलिए हम इसे डोज कर लेते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा हाईटेक सेमी डक स्टाइल टैंक है। इसमें मैं इस सीरिंज की मदद से अपने फर्टिलाइजर को डोज करने वाला हूँ। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर है। जैसा कि आपने देखा, इसके अंदर हमने इसको इंजेक्ट कर दिया है, यानी कि हमने अपने टैंक के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स को डोज कर दिया है बड़ी अच्छी तरह। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इस सीरिंज के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट फिल कर लिया है। अब मैं इसे भी इसके अंदर डोज कर देता हूँ। ये फिशेस थोड़ी बहुत स्ट्रेस हो सकती हैं, डोंट टेंशन। देखिए, हम इसे डोज कर दिया है इसके अंदर हमने बड़ी अच्छी तरह।
सो आज आपने देखा कि हमने एक्वाटिक रेमेडीज के मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स को डोज किया अपने टैंक के अंदर। सो इस प्रकार आप इसे अनबॉक्स करके डोज कर सकते हैं। एंड यस, इसे आप 45 डेज के पहले जज बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइजर या फिर केमिकल रिएक्ट करने में हमारे एक्वेरियम के अंदर एटलीस्ट 45 डेज लेता है। सो प्लीज़ आप 45 डेज तक पेशेंट रहिए, डू योर थिंग एंड यू विल बी गुड। आपका टैंक काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बर्स्ट करेगा, बहुत अमेजिंग लुक आएंगे आपके, लश होगा आपके प्लांट्स को। सो या गाइज, आज का वीडियो यहीं तक था। हमारी बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो आ रही है माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। हम फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर कि हाउ माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर हेल्पफुल फॉर यू। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो, एंड इफ यू डिड प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिसिंग एन अपडेट। बाय।